अच्छा गाइस मुझे एक बात बताओ, क्या आप चाहते हो मेरी मम्मी को जेगिंग्स और टॉप में देखना? अगर चाहते हो ना तो जल्दी से कमेंट्स में कमेंट्स भर दो, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार लगने वाली है मम्मी। आज तक हमने भी मम्मी को कभी नहीं देखा, सो अगर आप कमेंट्स कर दोगे तो शायद मम्मी मान जाए। क्यों मम्मी, मानोगे ना? अभी देखना ही मुझे कैसे देखेगी। वेलकम और वेलकम बैक टू माई व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं व्लॉग कर रही हूँ हल्द्वानी से और मुक्तेश्वर से आने के बाद, एंड काफ़ी दिन हो गए, मतलब 2-3 डेज हो गए हैं आए हुए, और ऐसा लग रहा है कि कब से व्लॉग नहीं किया है। तो आज सोचा कि व्लॉग करते हैं, वैसे कुछ भी मूड नहीं था, आपको पता है व्लॉग तो मेरा कभी भी स्टार्ट हो जाता है। सो अभी देखते हैं क्या करना है। अभी ना एक्चुअली मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं ना थोड़ा सा बेसन और उसका कुछ पैक बना लूँ, क्योंकि जब से हम लोग वहाँ से आए ना बहुत ही ज़्यादा स्किन डैमेज हो चुकी है, मतलब सनबर्न हो गया है। आई थिंक अभी आपको लाइट की वजह से दिख नहीं रहा होगा, बहुत ज़्यादा फेयर लग रही हूँ, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ज़्यादा ऑपोजिट स्किन हो रही है। सो अभी हम चलते हैं किचन में और थोड़ा सा बेसन एंड हल्दी का पैक बना लेते हैं, उसके बाद लेंगे शावर एंड उसके बाद डिसाइड करेंगे कि हमें आज क्या पहनना है, आउटफिट ऑफ द डे। एंड उसके बाद ना आज हम लोगों ने कुछ ना एक वीडियो भी बनानी है, पायल दीदी को एक वीडियो भी बनानी है इंस्टाग्राम के लिए। सो व्लॉग के अंदर बने रहो और देखते रहो पूरी वीडियो आगे कि हम क्या करने वाले हैं। बहुत सारे आज कुछ काम करने हैं तो वो भी कर लेंगे, एंड बने रहो व्लॉग के अंदर। सो आई नो आप सबको ही इस पैक के बारे में पता ही होगा, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब घरेलू उपाय है टैनिंग हटाने के लिए और स्किन को अच्छा करने के लिए। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ बेसन, तो हमें ना कमी लेना पड़ेगा क्योंकि हमारे घर पे पानी की शॉर्टेज हो रही है काफ़ी दिनों से। अब मैं ले रही हूँ थोड़ी सी हल्दी, मुझे ना अपने बेसन पैक में हल्दी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और अब मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा मिल्क, बस थोड़ू सा इतू सा, यस। और अब हम ऐड करेंगे लेमन। गाइज मैंने ये पैक बना लिया है और ये मैंने ना सिर्फ अपने लिए ही बनाया क्योंकि हमारे पास पानी भी नहीं है ना अभी। सो इसकी कंसिस्टेंसी ना कुछ इस तरह की होनी चाहिए, ज्यादा रनी भी ना हो और ज्यादा थिक भी ना हो। सो मैं इसको लगा लेती हूँ एंड देन आपको मिलती हूँ अभी। हेलो हेलो हेलो, आई नो मैं बहुत ज़्यादा फनी लग रही हूँ बट इट्स ओके, अपने लिए कुछ तो करना ही पड़ता है, फनी भी लगना पड़ता है। एंड अब मैं सोच रही हूँ कि इसको थोड़ी देर रहने देते हैं, उसके बाद ना मैं शावर लेने जाऊँगी। और इसको क्या करना है आपको, शावर लेते लेते मतलब थोड़ा सा इसको वेट करके और ऐसे ही स्क्रब कर लेना, मतलब क्लीन करने से पहले स्क्रब करना। और मैं इसको डेली यूज़ करने वाली हूँ। एंड अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, नहीं तो मेरे को लगता है कि मेरे स्किन में बहुत ज़्यादा लाइंस आ जाएंगी। सो इसके बाद मैं आपको मिलती हूँ रेडी होने के बाद। सो सी यू। हेलो हेलो, सो आई एम बैक, मैंने शावर भी ले लिया है, थोड़ा सा ना मेकअप कर लिया है और अब ना मैंने यहाँ पे बेसिक से कपड़े निकाल दिए, बिकॉज जैसा मैंने आपको बताया था कि हमें एक प्रोडक्ट के लिए एक रील बनानी है जो आपको इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेगी। सो जरूर उसको चेक करना, जो लिंक्स होंगे इंस्टा आईडी के हम दोनों के मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टैग कर दूंगी। एंड इसके बाद हमें वही काम करना है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अर्जेंट है और आज के आज हमें उसको अपलोड भी करना है और आगे सेंड भी करना है। सो उसके बाद मैं आपको थोड़े से ग्लिम्स दिखा दूंगी बिहाइंड द सीन, जो भी थोड़ा बहुत हो पाएगा, बिकॉज शूट मेरे ही फ़ोन से होगा। सो जैसा भी होगा आपको ज़रूर थोड़ा बहुत दिखा दूंगी सेटअप एंड ऑल, एंड मिलते हैं आपको आगे। हाय एवरीवन। सो गाइज ये है हमारी कुछ सिचुएशन शूट की जो हम ऐसा कुछ कर रहे हैं और इसके बाद देखते हैं, बस आई होप ये पूरा हो जाए और आप अच्छी एक्टिंग करो। तो जो भी ब्लूपर्स होंगे ना वो भी मैं ऐड कर दूंगी थोड़े से। सो यहाँ पे हमने ऐसे सेटअप लगाया है और अब जल्दी से फटाफट से रील बना लेते हैं क्योंकि आज ही हमें इस रील को अपलोड भी करना है और आगे सेंड भी करना है। सो थोड़े से ग्लिम्स बाद में ऐड कर दूंगी जो भी फनी अगर हमने कुछ इसमें करेंगे तो, वैसे तो बहुत सारी चीजें फनी होने वाली है। सो सी यू सून। One eternity later. Hello guys, so अभी जो हमारा रील का काम था वो हो गया है कंप्लीट और मैं उसके बाद ना थोड़ा सा रेस्ट करने लग गई। हम भूल ही गए कि मैं व्लॉगिंग भी कर रही थी, मुझे सडनली याद आया कि हम व्लॉग कर रहे थे और मैंने ना चेंज भी कर लिया क्योंकि बहुत ज्यादा ना
अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब यू नो घर के कपड़ों में जो आनंद है वो दुनिया में और कहीं पे भी नहीं है। अगर अग्री करते हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताओ। और यहाँ पे देखो दूसरी मॉडल की अभी हालत दिखाती हूँ कैसी है। और ये देखो हमारी दूसरी मॉडल कैसे ढेर पड़ी है, जैसे पता नहीं कितना सारा काम कर लिया, और सब जबकि सब कुछ मैंने ही बताया, एक्टिंग भी स्क्रिप्ट भी ठीक है। और यहाँ पे हमारा सेटअप अभी भी पड़ा है, बस हम इसको उठाते हैं। और अभी हम क्या करने वाले हैं, हमें बहुत ज्यादा भूख लगी है, तो हमने क्या ऑर्डर किया है आज? पिज्जा। कितने टाइम बाद? वैसे तो 1 मंथ, हाँ 1 मंथ बाद। और ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए, बहुत ज्यादा। और ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है ना हमारे लिए कि हमने 1 मंथ के अंदर अब पिज्जा ऑर्डर किया है, और आज हमारी मम्मी ने भी हमें किया, सोचा पिज्जा खाई, हाँ था ही लो, है ना। ठीक है गाइस, हमारा पिज्जा आ चुका है फाइनली इतने दिनों बाद, और इतनी क्रेविंग हो रही है। और ना हम बेस्ट पार्ट ये है कि हम थोड़ा थोड़ा ही ऑर्डर करते हैं सबके लिए, सो साथ में कोक भी है। और जल्दी से छोटू, जल्दी से कोक के 2 ग्लासेस लेके आए जाओ। ये अब खाएंगे पिज्जा। जो तृप्ति मिली है ना इसको खा के, आपको मैं क्या ही बताऊं, ऑसम। डेडिकेटेड नहीं बनना इतना खाते हुए, हमारे को आपकी असलियत पता है, मुझसे पूछो कैसा है। अच्छा है ना। सो गाइस, आपको पता है आज मेरी वीडियो में कौन दिखने वाला है? बहुत ही बड़ा सेलिब्रिटी जो बहुत ही कम दिखता है आजकल मेरे हर व्लॉग्स में, ये देखो मेरी माता श्री। कैसे हो? होप करती हूँ अच्छे ही होंगे सब, खुश रहो हमेशा। थैंक यू। अच्छा गाइज, मुझे एक बात बताओ, क्या आप चाहते हो मेरी मम्मी को जेगिंग्स और टॉप में देखना? अगर चाहते हो ना तो जल्दी से कमेंट्स में कमेंट्स भर दो, क्योंकि बहुत ही मजेदार लगने वाली है मम्मी। आज तक हमने भी मम्मी को कभी नहीं देखा, सो अगर आप कमेंट्स कर दोगे तो शायद मम्मी मान जाए। क्यों मम्मी, मानोगे ना? अगर 1K हो जाएंगे ना तो उस दिन मम्मी आप पहनोगे ना ये, तो जल्दी से गाइस सब्सक्राइब कर दो और जल्दी से 1K कर दो, ताकि आपको एक न्यू मम्मी, मॉडल मम्मी देखने को मिले। सी हमारे ना यहाँ पे कैट्स ने अपना घर बना लिया है, तो यहाँ पे आती रहती है। अभी देखना है मुझे कैसे देखेगी। देखो कैसे देखेगी, इतनी अच्छी मिमिक्री करती हूँ क्या मैं कैट की? यार मैं तो प्रो निकली यार, दूसरी भी आ गई। प्लीज मुझे इंट्रोडक्शन बताओ, मुझे आता नहीं है, कैसे करते हैं? एकदम स्टाइलिश बनना चाहिए, और अपने हमको एकदम अच्छा इंट्रोडक्शन करवाना चाहिए, जिससे गाइस हमको लाइक और सब्सक्राइब करें। वाओ, अरे कैसे बोलना है, लेकिन इंट्रोडक्शन कैसे देनी है? हाय फ्रेंड्स कैसे बोलना है? अरे वाह दक्ष, आप भी बना लो एक यूट्यूब चैनल। मेरा यूट्यूब चैनल तो पहले से ही है। ओहो किस नेम से है? दक्ष गुप्ता। दक्ष गुप्ता, ठीक है, ओके, थैंक यू दक्ष। Day 2. Morning guys, so it's day 2 और अभी बज रहे हैं सुबह के 7, और ना मैं जा रही हूँ कुछ डिफरेंट सा अपने बालों में कराने, आई मीन डिफरेंट एज इन हेयर कलर कराने, काफ़ी टाइम बाद 3 ईयर्स हो गए, सो मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो गई हूँ, तो जल्दी से चलते हैं और आगे का प्रोसीजर देखते हैं। गाइज देखो मैं कितनी ज़्यादा फनी लग रही हूँ। बस अब 1.5 आवर और लगेगा। सो फाइनली गाइज हम हेयर कलर रिवील करेंगे अब, सो अब फाइनल रिजल्ट देखने के लिए रेडी है। फाइनली गाइज हेयर कलर हो गया, और मुझे इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है कि
लाजवाब. और थैंक्स टू एवरीबडी जिसने मेरे हेयर कलर में इतनी मेहनत करी. तो मैं सबके लिंक्स और इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो ज़रूर चेक करना. और ये जो कलर है ना, ये एश कलर कराया मैंने, और मुझे ऐसा ही चाहिए था. मुझे ज़्यादा बोल्ड नहीं चाहिए था, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा क्लासी भी लग रहा है. एंड अभी ना हमें भूख लग रही है, तो अभी हम जा रहे हैं कुछ खाने, और उसके बाद हम आपको मिलते हैं घर पे, और मैं घर पे अच्छे से आपको सब कुछ एक्सप्लेन करती हूँ. फाइनली हम लोग आ गए हैं मैकडी, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं था. वहाँ पे भैया ने समोसे दिए थे हमें खाने को, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी थे. अब हमने ये ऑर्डर किया है, और इसमें से सबसे फेवरेट मेरी ये है. एंड अब खा लेते हैं. अभी तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बट आई एम इन लव विद माई हेयर कलर. मज़ा आ रहा है, अब खा लेते हैं. हेलो हेलो हेलो. सो गाइज, हम लोग वापस आ गए थे. आई नो मैं काफ़ी देर बाद ब्लॉग कंप्लीट कर रही हूँ, क्योंकि उसके बाद हम लोग थक गए थे, तो थोड़ा सा हमने किया रेस्ट. और मैंने आपको बताया था ना, कुछ रील का काम पेंडिंग था इंस्टा वाला, फिर वो किया, वो सेंड किया, और वो अपलोड भी किया है. सो जल्दी से जाके इंस्टाग्राम की हैंडल पे मेरी और दीदी की चेक कर लो. एंड कमिंग टू माय हेयर कलर, तो जो हेयर कलर है ना, इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है. पहले मुझे बहुत ज़्यादा मन में था कि मैं एश कलर करा तो रही हूँ, बट ज़्यादा बोल्ड ना हो जाए, और मेरे पे पता नहीं सूट भी करे या ना करे, या पता नहीं घर वालों को अच्छा लगे या ना लगे. बट जब बाद में रिजल्ट मैंने देखा, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, काफ़ी सटल लग रहा है. एंड अभी ना घर की लाइटिंग काफ़ी ज़्यादा कम है, तो इसीलिए थोड़ा ऐसा लुक आ रहा है. बट आई होप आप देख पा रहे हो कितना ज़्यादा सुंदर हेयर कलर आया है, बहुत ही अच्छा वर्क किया है. तो मैं सबकी जो इंस्टाग्राम आईडी के हैंडल है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो जल्दी से जाके सबको फॉलो कर लो. और आपको अगर कभी भी हेयर कलर कराना हो, सो आप डेफिनेटली उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो. एंड मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय एंड टेक केयर. और ब्लॉग अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना. बाय.